हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रोहित एमएलटी में। आज हम बात करने वाले हैं लिपिड प्रोफाइल के बारे में। लिपिड प्रोफाइल के अंदर पांच पैरामीटर्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल, एलडीएल एंड वीएलडीएल। इन टेस्टों को अपनी लेबोरेटरी में कैसे परफॉर्म करेंगे, 1x1 करके मैं एक एक वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। कोलेस्ट्रॉल कैसे बनता है, कैसे घटता है, कैसे अपनी लेबोरेटरी में परफॉर्म किया जाता है, क्या नॉर्मल रेंज होती है, ये सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा। बने रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि कोई भी न्यू वीडियो अपडेट होने पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। का लेवल बढ़ने से कई प्रकार की परेशानी पैदा हो सकती है। कोलेस्ट्रॉल भी दो प्रकार के होते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल मनुष्य की कोशिकाओं के बाहर एक खास एलिमेंट से बनी हुई परत से बनता है, जिसे हम कोलेस्ट्रॉल या लिपिड कहते हैं। मानव शरीर में होने वाली शारीरिक क्रियाओं को ठीक तरीके से पूरा करने के लिए कोलेस्ट्रॉल का होना बेहद ज़रूरी होता है, जैसे हार्मोन्स, एस्ट्रोजन, एल्डोस्ट्रोन, कॉर्टिसोल और प्रोजेस्टेरोन के निर्माण के लिए कोलेस्ट्रॉल का होना बहुत ज़रूरी है। गुड कोलेस्ट्रॉल क्या है? हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन युक्त एक तत्व होता है, जिसे हम लिपोप्रोटीन के नाम से जानते हैं। जब लिपोप्रोटीन में फैट की तुलना में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, तब हम इसको गुड कोलेस्ट्रॉल कह सकते हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल, लिपोप्रोटीन को बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। इस अवस्था में लिपोप्रोटीन में प्रोटीन की जगह फैट की मात्रा अधिक होती है, तो इस स्थिति में हार्ट संबंधी होने वाले रोग काफ़ी बढ़ सकते हैं। यह बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कैसे बढ़ता है? खाने की चीज़ों में सैचुरेटेड फैट अधिक मात्रा में लेने से खून में बैड कोलेस्ट्रॉल अधिक बढ़ जाता है, जैसे मीट, तेल, चॉकलेट, ज़्यादा तली भुनी चीज़ें खाने से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है। अपने बढ़ते हुए कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने के लिए आप रोज़ाना नियमित व्यायाम और रहन सहन की आदतें बदलने से अपने कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण कर सकते हैं। फल, साग सब्जियां, सलाद का सेवन करके आप अपने कोलेस्ट्रॉल को भी कम कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अपनी लेबोरेटरी की ओर। अब लेबोरेटरी में कोलेस्ट्रॉल की जांच कैसे की जाती है, ये हम जानेंगे इस वीडियो में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारे पास कोलेस्ट्रॉल की किट है। ये हमारे पास एक्यूरेक्स कंपनी की किट है, जिससे हम आज लगाने वाले हैं कोलेस्ट्रॉल टेस्ट। कैसे लगाया जाता है, सबसे पहले किट को ओपन करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने किट को ओपन किया है। ओपन करने के बाद हमारा ये एक्यूरेक्स कंपनी का लिटरेचर है, हमारा एक कोलेस्ट्रॉल का। जो भी इसमें पैरामीटर्स लिखा है उसको ध्यान से पढ़िएगा, सारे लिटरेचर को अच्छे से पढ़िएगा, फिर उसके बाद ही टेस्ट को रन कीजिएगा। जब भी कोई न्यू किट ओपन करते हैं तो ये लिटरेचर किट के साथ ही आता है, इसको ध्यान से पढ़ें। ये हमारा पैरामीटर्स है, पैरामीटर्स में रिएक्शन है, एंड पॉइंट, रिएक्शन टाइम, वेवलेंथ, जीरो सेटिंग, ब्लैंक अब्सोर्बेंस लिमिट, सैंपल वॉल्यूम, रिजेंट वॉल्यूम। हमारा रिजेंट वॉल्यूम है 1 ml, उसमें सैंपल वॉल्यूम हमारा पड़ेगा 10 μl। इसको हम अपने अनुसार घटा या बढ़ा सकते हैं। अपने पैरामीटर्स को हम अपनी सेमी ऑटो बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर में कैसे सेव करेंगे, ये हम अभी टेस्ट को रन करते हैं। पहले टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, टेस्ट को लगाते हैं, कैसे लगाया जाता है, उसके बाद हम मशीन में पैरामीटर्स को कैसे सेव करेंगे, ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसमें 1 ml हमें रिजेंट लेना है। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा वर्किंग रिजेंट है और ये हमारा इसके साथ स्टैंडर्ड आया हुआ है। इस स्टैंडर्ड को हमें अपने वर्किंग रिजेंट में 10 μl को ऐड करना है। ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमने BST
ब्लैंक टेस्ट स्टैंडर्ड में अब 500-500 माइक्रोलीटर वर्किंग रिएजेंट को ऐड किया है। इसमें हमें इस 10 माइक्रोलीटर स्टैंडर्ड को ऐड करना है और उसके बाद 15 मिनट का इंक्यूबेशन देना है। ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारे पास ब्लैंक स्टैंडर्ड एंड टेस्ट की ट्यूब है जिसमें हमने 500 माइक्रोलीटर वर्किंग रिएजेंट को ऐड किया है और उसमें हमने ब्लैंक वाली ट्यूब को खाली छोड़ देंगे या 10 माइक्रोलीटर डिस्टिल वाटर ऐड कर सकते हैं। स्टैंडर्ड वाली ट्यूब में 10 माइक्रोलीटर हमारा जो स्टैंडर्ड है उसको ऐड करेंगे और टेस्ट वाली ट्यूब में हमें पेशेंट का जो भी सैंपल को रन करना है हम उसमें 10 माइक्रोलीटर सैंपल को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमें 15 मिनट इंक्यूबेशन देंगे। इंक्यूबेशन देने के बाद फिर हम रीडिंग लेंगे। अब चलते हैं हम अपनी बायोकेमिस्ट्री की ओर, इसमें हम पैरामीटर्स को कैसे सेव करेंगे। ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारी है सेमी ऑटो बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर CHEM-7। इसमें हम अपने पैरामीटर्स की ओर चलते हैं। ये पैरामीटर्स को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये हमारा कोलेस्ट्रॉल का पैरामीटर्स खुल गया है। इसको हम जो भी पैरामीटर्स हमारे लिटरेचर में दिया हुआ है हम इसको मशीन में पूरा ऐड कर देंगे। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रिएक्शन हमारी है एंड पॉइंट, तो एंड पॉइंट करेंगे। हमने अपनी मशीन में मोड को एंड पॉइंट कर दिया। एंड पॉइंट या वन पॉइंट, बात एक ही है, दोनों एक ही चीज होती है। फिल्टर को ऐड करेंगे। फिल्टर है हमारा 505। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं 500 से 530 nm हम फिल्टर डाल सकते हैं। हमारा फिल्टर है 505, तो 505 ऐड करेंगे। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा अप, ये अप डाउन करके जो भी हमारे लिटरेचर में दिया हुआ है हम पूरा ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जब हम टेस्ट को रन करेंगे, आफ्टर 15 मिनट जैसे कि आप देख पा रहे हैं, डिस्प्ले है हमारी मशीन की। अपने टेस्ट को रन करना है, कैसे परफॉर्म करना है देखते हैं। सबसे पहले हमें ये हमारी बायोकेमिस्ट्री का कीपैड है, इस पे कीपैड पे आपको CHO दिखाई दे रहा होगा, इसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं डिस्प्ले पर हमें ये पैरामीटर्स दिखाई देंगे। हमारा ये मशीन मांग रही एक्सप्रेट वाटर, तो हमें यहाँ से ये हमारा वाटर है, यहाँ से हमें वाटर को पिलाना है, इसको एक्सप्रेट कराना है। हमने वाटर को एक्सप्रेट किया है। एक्सप्रेट कराने के बाद हमारा एक्सप्रेट रिजेंट मांग रहा है, जो हमने ब्लैंक ट्यूब भरी है हम उसको एक्सप्रेट कराएंगे। ये हमने ब्लैंक को एक्सप्रेट किया है। एक्सप्रेट कराने के बाद हमारा ये सेव न्यू वैल्यूज़ यस या नो करेंगे। हमारा पहले से ही ऐड है तो हम इसको नो करेंगे। अगर आपको ऐड करना है तो आप यस कर सकते हैं। ये हमारा एक्सप्रेट स्टैंडर्ड मांग रहा है, जो हमने स्टैंडर्ड लगाया है हम उसको एक्सप्रेट कराएंगे। हमने अपने स्टैंडर्ड को एक्सप्रेट करा दिया है। ये सेव न्यू वैल्यूज़ मांग रहा है। हमारा पहले जो फैक्टर है वो 222 है, न्यू फैक्टर जनरेट हुआ है 199.2। हमारा पहले से ही ऐड है तो हम नो करेंगे। अगर आपको ऐड करना है तो आप यस कर सकते हैं। नो करने के बाद ये एक्सप्रेट सैंपल मांगेगा, या यस करेंगे तब भी सैंपल मांगेगा। तो इसको 1x1 करके हम अपने सैंपल को रन कर सकते हैं। एक हमने जो टेस्ट परफॉर्म किया है हम उसको रन करते हैं। पेशेंट के सैंपल को रन किया है, हमारी वैल्यू जाइए 170.1 mg/dL। आई होप के वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे ट्राइग्लिसराइड को कैसे रन करेंगे अपनी लेबोरेटरी में। उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।